झरिया के सुदामडी थाना क्षेत्र अंतर्गत बाई क्वार्टर के समीप दामोदर नदी के रास्ते में भारी मात्रा में अवैध कोयले की तस्करी की गुप्त सूचना CISF के क्राइम विभाग के उदय शंकर सिंह को मिली, जिसके बाद उन्होंने मामले की जानकारी शुक्रवार को सुदामडी थाना और अमलाबाद OP को दी। मामले की जानकारी मिलते ही सुदामडी पुलिस और अमलाबाद की पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों ने दामोदर नदी में संयुक्त छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध कोयला के साथ साथ बड़े वाहन के 2 ट्यूब और 2 साइकिल भी बरामद किया है। पुलिस की इस संयुक्त छापेमारी से बोकारो जिला अंतर्गत अमलाबाद OP और धनबाद जिला अंतर्गत झरिया के सुदामडी थाना क्षेत्र में अवैध कोयला तस्करों में हड़कंप मच गया। वहीं इस छापेमारी को लेकर सुदामडी थाना के प्रभारी आदित्य कुमार नायक ने बताया कि अमलाबाद OP और सुदामडी की पुलिस द्वारा शुक्रवार को बाई क्वार्टर स्थित संयुक्त छापेमारी की गई, जिसमें भारी मात्रा में अवैध कोयला जब्त किया गया। उन्होंने बताया कि छापेमारी के दौरान सभी कोयला तस्कर भागने में सफल रहे। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि फिलहाल जब्त कोयले को थाना ले जाया जा रहा है और इस अवैध कोयला तस्करी से जुड़े लोगों की जांच पड़ताल की जा रही है। किसी भी हाल में कोयला तस्करों को बख्शा नहीं जाएगा। लगातार अवैध कोयला तस्करों के खिलाफ यह छापेमारी अभियान जारी रहेगा। आपको बता दें कि धनबाद झरिया के सुदामडी थाना और भौरा थाना क्षेत्र स्थित पड़ने वाले दामोदर नदी के रास्ते सैकड़ों की संख्या में प्रतिदिन कोयला चोर धड़ल्ले से कोयले की तस्करी कर बोकारो जिला ले जाते हैं, जहां चोरी के कोयले को अवैध भट्ठों में अधिक दामों पर बेचा जाता है। दामोदर नदी के कारण पुलिस कोयला चोरों को पकड़ने में बेबस हो जाती है, जिसका कोयला चोर भरपूर फायदा उठाते हैं। यहां सूचना मिली 3 फीट के जो दामोदर नदी है, वहां पे सूचना मिली कि यहां पे कुछ लोग कोयला पार कर रहे हैं, जिसको सुदामडी थाना और अमलाबाद OP दोनों मिलकर संयुक्त छापामारी किया गया, जिसमें लगभग यहां पे 25 बोरी कोयला और उस पार अमलाबाद में भी कुछ कोयला मिला है। फिलहाल अभी क्या किया जा रहा है सर? फिलहाल अभी पता लगाया जा रहा है कि ये सब किसका हाथ है, उसके ऊपर विधि सम्मत कार्रवाई।